आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सोनालिका 750 सिकंदर। देख सकते हो इसका जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का रिवर्स गियर में बहुत आवाज़ कर रहा है, तो इसको हम पहले ऊपर का पायदानी और ऊपर का जो गियर टपर का प्लेट निकाल के उसके बाद आयल को डाउन करके गियर बॉक्स अलग करेंगे। उसके बाद इसका क्या हुआ है दिखाऊंगा, किस वजह से इसका जो है गियर में आवाज़ कर रहा है। पहले इसको खोल लेता हूँ, चलो जल्दी खोलो। तो सोनालिका का जो है गियर बॉक्स, इसका जो रिवर्स गियर बुरी तरीके से जो है सीज हो चुका था। जैसे तो सीज होके जो है अंदर में पिन पूरा फिक्स हो गया था, जिसके कारण नहीं निकल रहा था, बहुत दिक्कत हुआ है खोलने के लिए। जैसे तो ये भी बॉडी थोड़ा क्रैक हो गया है, तो इस तरीके से वेल्डिंग कर लेना है हल्का। आपको रिवर्स गियर का पूरा जो सामान है, जैसे एक पिन, इस तरीके का एक पिन है, एक बोल्ट जो टूट गया है, देख सकते हो, ये देख सकते हो बियरिंग, दो बियरिंग इस तरीके का, यह है इसका जो वॉशर, सब अलग अलग आता है इसका। इसका भी पार्ट नंबर देख सकते हो आप, 1000662, ये इसका पार्ट नंबर, इस तरीके का निकालो इसको। इस तरीके का सीम्स और ये है बियरिंग, बियरिंग का पार्ट नंबर आप देख सकते हो, 2000538A, ये इसका पार्ट नंबर बियरिंग। दो दो पीस लेके आया हूँ, दो पीस का है, तो दो ठो है, दो खड्डे में था। रेट है 236 रुपये। यह है इसका टॉप का सील, इसका पार्ट नंबर भी देख सकते हो आप, 0407022505, ये पार्ट नंबर है इसका। 19 रुपये रेट है इसका सील का, जो एक टॉप में रहता है। देख सकते हो इसका मेन शॉफ्ट का सील है अंदर, और ये है जो इसका चिलम का सील, इसका भी पार्ट नंबर देख सकते हो, 0407047025008 FZ करके पार्ट नंबर है इसका। रेट भी देख सकते हो, इसका रिवर्स गियर, रिवर्स गियर का है ना, ये देख सकते हो, ये है इसका रिवर्स गियर। जैसे इसका पार्ट नंबर है 1000873131 ही है, जैसे तो पार्ट नंबर इसका 1404 रुपये इसका रेट। और ये है पूरा जो, और एक तो पुश आया है, तो इसका इस तरीके का बूश बियरिंग के अंदर रहता है। नीचे रख, नीचे रख, रिवर्स गियर का जो बियरिंग के बीच में रहता है इस तरीके से। इसका पार्ट नंबर है 1000037625, इसका रेट भी देख सकते हो। अभी सबका जो पार्ट नंबर है चेंज हो गया है, और ये वॉशर है एक, इस तरीके का एक वॉशर, तो और इसका बोल्ट, इसका भी पार्ट नंबर नहीं है, मिला नहीं है मेरे को, मैं तो आपको बता देते हैं। अभी जो है इसको असेंबल करेंगे, किस तरीके से असेंबल किया जाता है उसको दिखाएंगे आपको। बियरिंग, उसको जिस तरीके का बुश, उसको तो और एक बियरिंग, इधर एक सीम्स देखो तो इस तरीके का, और तो थोड़ा ग्रीस लगा के इधर भी सीम्स आपको सेटिंग करना है। जैसे तो रिवर्स गियर इस तरीके से पूरा सेट करके, जो पिन है, पिन आपको अंदर सीधा से सेटिंग करना है। जैसे तो रिवर्स गियर जो है फिट हो चुका है, इसका बोल्ट इस तरीके का आपको जो इधर से फिटिंग करना है वॉशर के साथ। जैसे तो इसके काउंटर, अभी काउंटर को जो है सेटिंग अच्छे से सेटिंग करेंगे इसको, काउंटर को।
देखो तो ये काउंटर है, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का वॉशर है। गियर और एक बुश और एक गियर। अंदर दिखा, अंदर दिखा। तू भी तो ही कर ला यानी भीतर और तो आगे ला चार्ज इनियन है, इनियन सब इस तरीके का वॉशर देख सकते हो। यहाँ पर एक लॉक है, लॉक को सेटिंग करके यहाँ पर फिटिंग करना है, नहीं तो क्या दिक्कत होगा बढ़ जाएगी। देर का काम करता है, देख सकते हो उसको सेटिंग करके उसके बाद लॉक आपको आसानी के साथ सेटिंग करना है। इस तरीके का वॉशर तांबे का है, देख सकते हो पीतल का। फिर एक तो इस तरीके का गियर, उसके बाद इसको इस तरीके का पूरा तो इस तरीके के। उसके बाद गियर और एक 26 mm का एक वॉशर देखो तो यहाँ पर वॉशर एक लॉक, तो 26 mm का वॉशर उसके बाद लॉक इस तरीके का। तो ये बियरिंग दो प्लेटें का आता है, एक छर्रे सिस्टम का और एक इस तरीके का। देखो तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक लॉक है, लॉक को भी तो लॉक को भी आपको सेटिंग कर लेना है इस तरीके का। अंदर में इस तरीके का वॉशर आपको यहाँ पे जो है सेटिंग कर लेना है अंदर में। देखो तो यहाँ पे जो सील है, सील को नया सेटिंग किया हूँ, इसका पार्ट नंबर देखो तो फ्लश दिख रहा है ना पार्ट नंबर यहाँ पे जो देखो तो पूरा जो सेटिंग हो चुका है। यहाँ पे एक टाट एक वॉशर और एक लॉक है। देख सकते हो पूरा जो सेट हो चुका है इधर भी। अब देख सकते हो इधर जो लॉक है, इसका लॉक भी इस तरीके से आपको बैंड कर देना है यहाँ पर बोल्ट टाइट करके। देख सकते हो ये जो है शाफ्ट, चलो डाल अंदर से, यहाँ से, यहाँ से डाल। इस तरीके से आपको फिटिंग करना है और रुक जा इस तरीके का वॉशर, उसके बाद गियर, चल डालो डालो भाई, रुक रुक रुक। दो वॉशर रहता है ना, चल गियर दे दे। गियर इस पोजीशन पे आपको सेटिंग करना है गियर को। चल इसको घुमा 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 के धक्का लगा,
चलो धक्का लगाओ। और बस अभी यहाँ पे ये क्लॉक दिखा, इस तरीके का वॉशर, एक मोटा है एक पतला है वॉशर। चलो आगे का सामान दे दे, तो आगे का सामान दे। इस तरीके का प्लेट है, चल लगाओ ठीक से। आगे में एक बियरिंग है, देखो इस तरीके से जो है आपको लॉक को सेटिंग कर लेना है आसानी के साथ। याद रखिए 11वीं सेट हो चुका है यहाँ से। चलो ऊपर का सामान सेट कर दिए, इस तरीके का जो सामान है इसको सेटिंग करना है। सीधा का तो हाइलू का है सिस्टम है, इसको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से पकड़ के रखना है, जैसे इस तरीके का रख सकते हो, इसको आसानी से सेटिंग करना है। आगे में एक बियरिंग है, छोटा छोटा सा बियरिंग, प्लेट जो है गियरबॉक्स का जो पीसेस पीछे साइड में सेटिंग करना है। शूट करने के लिए पूरा सेटिंग हो चुका है। अभी ऊपर में जो कैप्सूल है गियर का, कैप्सूल सेट करके जो है रेल को सेटिंग करेंगे। इस तरह का जो कैप्सूल यहाँ पे जो जगह है उसको सेटिंग करना है। देखो कैप्सूल, दो कैप्सूल है इसके अंदर, सेटिंग अच्छे से हो चुका है। अभी इसको कुछ इस तरीके से रेल को आपको सेटिंग करना है। इसको बोल दे गियर का जो रेल है, दूसरा फर्स्ट एंड रिवर्स और इसमें जस्ट पूरा सेटिंग हो चुका है। ऊपर का एक पिन है यहाँ का, गाड़ी में सेट करके उसके बाद आपको दिखाऊंगा चला के। गियरबॉक्स को ऊपर में उठा लिया हूँ, इस तरीके से आपको स्प्रिंग जो है फिंगर का आपको सेटिंग कर लेना है। देखो तो स्प्रिंग इस तरीके से, स्प्रिंग को आपको दोनों सेटिंग कर लेना है फिंगर का, नहीं तो आप नहीं लगा सकोगे। देख सकते हो सेटिंग हो चुका है। अभी जो बोल्ड है टाइट करके इसके बाद इसके पीछे का साइड सेटिंग करना है। यहाँ पे कपलिंग लगा के, यहाँ पे एक पीटीओ का है दोस्तों, दोनों शाफ्ट सेट करके, और यहाँ पे जो रेल है हल्का घुसा के उसके बाद सेटिंग करना है आपको। इस तरीके से जो है आपको सेटिंग करना है, इधर भी अंदर में दो कपलिंग, एक यहाँ एनाबोंड, और जो पैकिंग है दोनों तरफ एनाबोंड चिपका दिया हूँ।
इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है गियर बॉक्स खराब होने से आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना ताकि जो मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। क्या है, रिवर्स गियर का दो असर के कारण बहुत लेट हो गया है गाड़ी में और उसका जो गियर बॉक्स का जो रिवर्स गियर है इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गया था जिसके चक्कर में जो बॉडी है वो भी थोड़ा क्रैक हो चुका है, तो उसको वेल्डिंग करके सेट किया हूँ अच्छे से ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो।